हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आम प्रस्तुत करिबा बिरयानी मसला, जोटा कि बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। बिरयानी मसला यूज करी आपण घरे रेस्टोरेंट भली बिरयानी तैयारी करि परिबे। देखंतु मु एही सब सामग्री यूज करी मो मसला गुड़ा को दुईटा थाली रे डिवाइड कर देछि, कारण गोटे मसला ड्राई रोस्ट हबो। देखंतु प्रथम थाली रे नेछि मु 3 बड़ चम्मच जीरा, 3 बड़ चम्मच धनिया, 5टी अनासी फूल, 2 बड़ चम्मच गोलमरीच, 1.5 बड़ चम्मच पान मधुरी, 5टी स्टिक नेछि मु डालचीनी रो, 1 बड़ चम्मच नेछि लवंग आउ 15टी अळीच। एही थाली रोटा आमे ड्राई रोस्ट करिबा। आउ गोटे थाली रे मु नेछि 10-12 तेजपत्र, 4-5 टुकुड़ा जावित्री, गोटे जायफल, 2 बड़ चम्मच अळीच, 2 बड़ चम्मच हलदी आउ 2 बड़ चम्मच लंका गुंड। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे प्रथम थाली रे थिबा सबु जिनिस को आमे ड्राई रोस्ट करिबा। एथि पई मु गोटे कड़ई गरम करि नेछि, आउ कड़ई को पूरा सिम रे रखी कि सब मसला को पकई देबी। सब मसला को आमे पूरा सिम रे ड्राई रोस्ट करिबा। 3-4 मिनट पर्यंत एहा को आमे भाजिबा। बिल्कुल भी हरबर हेबानी कि हाई फ्लेम करिबानी, कारण जदि हाई फ्लेम रे करिबा मसलार टेस्टा पूरा मात्रा रे बिगड़ी जिवो। देखंतु 3-4 मिनिट मु एहा को ड्राई रोस्ट करि देइछि। वर्तमान आमे एहा को गोटे प्लेट रे काढ़ी थंडा हेबा पई छाड़ देबा। वर्तमान देखंतु सेकंड प्लेट रे थिबा जिनिस गुडा को आमे ड्राई रोस्ट करिबानी। जायफल को प्रथमे आमे कुटिकी छोट छोट खंड कर देबा, जहाँ फल आमको ग्राइंडिंग करिबारे बहुत ही इजी हेबो। एबे देखंतु मु एहा को कुटी नेलेनी। वर्तमान आमे एहा को ठंडा करी रखिथिबा मसला रे ऐड करी दबा। बाकी सब गोटा मसला को मध्य ऐड करी दबा। जावित्री, तेजपत्र, अळीच सब को आमे ऐड करी नबा। भल भाव ठंडा मध्य हो सारिलानी। वर्तमान आमे सब को भल भाव मिक्स करी नबा। आउ गोटे ब्लेंडिंग जार रे भल भाव गुंड करी नबा। वर्तमान देखंतु मु भल भाव ग्राइंडिंग करि देइछि, आउ एटा प्रस्तुत हो गलाणी। वर्तमान एहा को आमे गोटे कंटेनर रे काढ़ी नबा। वर्तमान आमे ऐड करिबा 2 बड़ चम्मच हळदी गुंड आउ 2 बड़ चम्मच लंका गुंड। भल भाव मिक्स करि नबा। वर्तमान प्रस्तुत हो गला बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानी मसला। किचनटा पूरा बिरयानी मसला रे पूरा महकी जाउची, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दउची, बहुत ही बढ़िया बासना होउची। आपण माने निश्चित भाव रे ट्राई करंतु, आउ बिरयानी रे पकेई किमिति हेला मते जणंतु। एहा को आपण एयर टाइट कंटेनर रे रखी 6 मास पर्यंत रखी परिबे, आउ एयर टाइट कंटेनर रे रखी फ्रिज रे मध्य बर्षे पर्यंत एहा को स्टोर करी रखी परिबे। तेबे आपण माने मध्य निश्चित भावरे बनांतु। भल लागिथिले लाइक करंतु, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। देखा हबो आउ गोटी वीडियो सहित, सेते बेले जाय रहुची। नमस्कार।